हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस चैनल में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इवन और ऑड नंबर हम कैसे चेक करा सकते हैं जावा के प्रोग्राम की मदद से। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमें एक जावा क्लास लेना होगा, तो मैं यहाँ पर एक जावा क्लास ले रही हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ इवन ऑड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं मेन मेथड ले रही हूँ। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ पे एक नंबर की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल का ले रही हूँ जो है हमारा इंटीजर डेटा टाइप है उसका। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पे नंबर फिक्स नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़र के द्वारा वो नंबर इनपुट कराऊँगी। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे सिंपल पहले यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना होगा ताकि हमारा जो भी यूज़र है उसे पता चले कि यहाँ पे हमें एक नंबर एंटर करना है और यहाँ पे हमें इंटीजर ही नंबर इनपुट कराना है। तो हम मैं यहाँ पे दे रही हूँ एंटर एन इंटीजर नंबर। उसके बाद हमें यहाँ पे यूज़र के द्वारा जो नंबर है वो इनपुट कराना है। उसके लिए यहाँ पे एक हमें स्कैनर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे स्कैनर मैंने लिया है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्कैनर है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा जो जावा यूटिल नाम का जो पैकेज था उसमें था, इसलिए यहाँ पे हमारा जो जावा यूटिल नाम का जो पैकेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल हमारा जो नंबर है, यानी हमारा जो एस सी है और जो हमारा नेक्स्ट इंट है, इसकी मदद से हम यहाँ पे यूज़र के द्वारा हमारा जो नंबर है वो प्रिंट करा सकते हैं। तो वो जो नंबर है वो मैं यहाँ पे नंबर में सेव कर रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट ले रही हूँ कि हमारा जो नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल प्रिंट होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है वो इवन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा एल्स पार्ट में जाना चाहिए। ओड नंबर इज़ ओड, यानी जो नंबर हमने एंटर किया है वो ओड है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल में यहाँ पे एंटर एन इंटीजर नंबर, यानी कि यहाँ पे एक नंबर हमें यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल नंबर डाल रही हूँ 56। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 56 है वो इवन है, क्योंकि हमारा जो 56 है वो टोटली 2 से डिवाइड हो रहा है और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हमारा जो है वो ट्रू हो रहा है जो कंडीशन है वो। इसलिए यहाँ पे हमारा जो इफ स्टेटमेंट का जो पार्ट है, यानी इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चले, मैं यहाँ पे दोबारा एक और बार रन करती हूँ और इस बार हम ऑड नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 97 ऐड किया है जो है हमारा ऑड नंबर। तो हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।